नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, पहले आज हम बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस करेंगे, फिर हम लोग इंट्राडे या डे ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस करेंगे। तो ये देखिए, ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है, ठीक है। अब आइए वीकली चार्ट पे देखते हैं कि किस तरीके से बैंक निफ्टी का पैटर्न बन रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हिलेगा मिलेगा सेल में आ चुका है। देख रहे हैं आप लोग, हिलेगा मिलेगा सेल में आ चुका है। अब ये वाली कैंडल जो बनी थी, इसने बता दिया था कि मार्केट यहाँ से सेलिंग पर है। आइए इसमें ईएमए भी लगा लेते हैं। ईएमए 50 और 20 की लगाएंगे, ठीक है। ईएमए इसको लगा लेते हैं 1 50 की और 1 20 की। ये देखिए, 50 वाली को रेड कर देते हैं, ठीक है जी। तो अभी देखिए, अगर वीकली पर 50 की एमए का देखा जाए, तो अभी हमारा एक लेवल जो निकल के आ रहा है, वो ये निकल के आ रहा है आपका, ये जो लेवल निकल के आ रहा है, ये आपका आ रहा है 40,840, सॉरी 20 की एमए पे निकल के जो लेवल आ रहा है, 40,840 का आ रहा है, ठीक है। अभी 40,840 का क्या है, आप देखिए, ये वाला भी एक सपोर्ट बन रहा है। ईएमए देखिए आपको किस किस तरीके से मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के देती है। ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सारा आपका ये सपोर्ट जोन है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग फिबोनाकी के हिसाब से भी देखते हैं। फिबोनाकी रिट्रेसमेंट हमको अभी इस यहाँ पे क्या इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं। आइए, अगर फिबोनाकी रिट्रेसमेंट को लगाया जाए, तो अभी जो हमको जो निकल के आ रहा है, थोड़ा सा चार्ट बड़ा कर लेते हैं। पहले स्विंग से दूसरे स्विंग तक देखा जाए, अगर देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक देखा जाए, तो पिछली बार जो मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ये नियर अबाउट 50%, जब यहाँ से गिरा था मार्केट, तो 50% तक के लेवल तक आया था। ये देख रहे हैं आप, 50%, 37,075, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, ठीक है। और जब ये 0% के ऊपर निकला था, तो फिर यहाँ से मार्केट अपना आगे की जर्नी तय किया था। ये एक स्विंग से लेके दूसरे स्विंग तक का है, जो आपका ये स्विंग है, ये वाला एक स्विंग से लेके दूसरे स्विंग तक का है ये, ठीक है जी। अब आइए फिर से लगाते हैं फिबोनाकी, अगले स्विंग से अगले स्विंग तक का। अगला स्विंग क्या है आपका, ये रहा अगला स्विंग, और दूसरा स्विंग ये, ठीक है जी। अब देखिए, जो लेवल आपको जो निकल के आ रहा है, जो मैंने आपको पहले ही दे के रखा है लेवल, जहाँ पे मार्केट आके 611 पे आके रुक गया, वो पहला लेवल है। 50% का जो लेवल है, वो आपका ये है, जो मैं अभी आपको, जो आपको फिबोनाकी भी बता रहा है, जो आपको मूविंग एवरेज भी बता रहा है, और तीसरा जो है आपका ये है, ठीक है जी, ये वाला। हालांकि इम्पॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि ये एक मार्केट का एक डिलेमा जोन होगा। ये जो है 38,748 से 37,389, ये आपका डिलेमा जोन होगा। और फिबोनाकी अगर कल मार्केट, कल मतलब मंडे को, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में मार्केट यहाँ से खुल के सपोर्ट लेता, अब मेरे हिसाब से मार्केट को यहाँ पे आके थोड़ा सा हवर करना चाहिए। हवर करना मतलब क्या, कुछ दिन तक यहाँ पे रहना चाहिए ऐसे ऐसे,
3 4 दिन तक, हालांकि मार्केट सेल में ही है, ठीक है जी। तो अभी ये लेवल आप अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिएगा, जो मैं आपको दूसरे चार्ट पे दिखा रहा हूँ, अभी जो मैंने आपको लेवल दिया है, आप देखिए, अभी मैं इस पर भी मैं डिस्कस करूँगा। ये देखिए 15 मिनट के चार्ट पे यही है 611 वाला लेवल, और ये पूरा नीचे सपोर्ट है। अगला लेवल है 41,315, ठीक है जी, मैं अभी उस पर भी आऊँगा। ये है 933। तो अभी मैं अगले दिन में जो मैं देख रहा हूँ वो मार्केट को मैं थोड़ा सा पॉज देख रहा हूँ, पॉज मीन टू से मैं थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, इस टाइप का मैं देख रहा हूँ मार्केट को, ठीक है जी। तो ये लेवल और ये लेवल 40,000, ये वाला कितना निकल के आ रहा है 41,607 और 40,735, ये आप मार्क करके रखो अपने चार्ट पे। अगर आपने मार्क नहीं किया तो फिर दिक्कत है, मार्क किए रहोगे तो हमेशा आंखों के सामने रहेगा। अब आइए डे लेवल पे चलते हैं, इसको हटा दे रहा हूं मैं। अब आइए डेली बेसिस पे, डे लेवल पे देखिए, डे लेवल पे आपने हिलेगा मिलेगा को देख लिया, हिलेगा मिलेगा अभी सेल में चल रहा है, हिलेगा मिलेगा को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। मैं एक और इसमें ई एम ए डाल रहा हूँ, ई एम ए इसको मैं डाल रहा हूँ 200 का, और इसको मैं कर रहा हूँ ब्लैक, ब्लैक, ठीक है जी। 200 EMA इसने कहाँ से सपोर्ट लिया था, 30 सितंबर से डे लेवल पे। तो अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं अगर फिबोनाची लगाता हूँ तो मेरा अगला लेवल क्या निकल के आ रहा है, अगला लेवल जो निकल के आ रहा है 41,119। ये डे चार्ट पे मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ, मैं आपको इंट्राडे की बात नहीं बता रहा हूँ। दूसरा आपका निकल के आ रहा है डे चार्ट पे। देखिए अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट पे एनालिसिस अलग अलग हो जाती है। आप 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन डे लेवल के चार्ट पे देखोगे तो इतनी छोटी कैंडल बनी है, ठीक है। तो अगला जो इसका डे लेवल के हिसाब से जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, पहला तो यही है जो 50% तक आके यहाँ पे टिका हुआ, जो मैंने आपको पहली लेवल दे रखा है। दूसरा लेवल आपका ये बनेगा डे लेवल पे 41,063। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मार्केट अभी सेल में है। हाँ ये चीज़ है कि मार्केट, ये जो आपका जो जोन बन रहा है, ये एक मिनट मैं आपको बता दूँ, ये वाला जो जोन बन रहा है, मैं फिबोनाची को मैं हटा रहा हूँ, एक लेवल और मार्क कर लेते हैं फिबोनाची का, यहाँ से 200 मूविंग एवरेज वाला है, उसके बाद मैं इसको हटा रहा हूँ, वन मिनट। हाँ देखिए, तो अभी जो डे लेवल पे जो सपोर्ट आपके 3 निकल के आ रहे हैं, ठीक है, कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है। और अगर इसी फिबोनाची को मैं ऊपर से यहाँ से लेके यहाँ तक लगाऊँ तो आने वाले टाइम में जो मुझे मार्केट का टारगेट, जो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलती है तो अगला टारगेट मेरे को मिल रहा है 45,684 का, ठीक है जी, जो अभी संभव नहीं है, अभी मार्केट आपका क्या कहते हैं सेलिंग में है, ठीक है। तो अभी फिर फिबोनाची को हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब मार्केट 200 EMA के पास आ रहा है, तो ट्रेडिंग कैसे करेंगे, और जो आपका सपोर्ट जोन बन रहा है वो ये पूरा सपोर्ट जोन है, ये लेवल आपका यहाँ तक, ये पूरा सपोर्ट जोन है। तो अगर यहाँ से बैंक निफ्टी टूटता है तो उसका पहला लेवल है 41,119 डे चार्ट पे, दूसरा लेवल है 40,287 और तीसरा अल्टीमेट लेवल है 39,178, जो आपका कहीं ना कहीं ये वाला लेवल है, ये
देख रहे हो आप, ये वाला लेवल है। तो वीकली चार्ट पे जो मैंने आपको जो लेवल बना के दिए उसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस है, लॉन्ग टर्म एनालिसिस मतलब अगले जनवरी तक की, जनवरी तक में मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, ठीक है जी। अब आइए चलते हैं कि मंडे को हम लोग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। मंडे की ट्रेडिंग में जो मैंने आपको वही लेवल दिया था 600 वाला, वो लेवल इंटैक्ट है, ठीक है। हिलेगा मिलेगा आप देख ही रहे हो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हिलेगा मिलेगा में मैं आपको मास्टर बना दूँ, क्योंकि यही एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको मार्केट के बारे में पूरे तरीके से वो करके रखेगा, हैंड्स फ्री करके रखेगा, लॉसेस नहीं होने देगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो मैंने जो आपको लेवल दिया था थर्सडे में, हालांकि फ्राइडे को मैंने ट्रेड लिया नहीं, फ्राइडे को मैं बिजी था, बट मैं मार्केट देख रहा था, फिर मैंने आपके लिए एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी बना के दिया। तो ट्रेडिंग कैसे करेंगे, एक सॉरी दोस्तों, एक घंटे के चार्ट पे देखते हैं। एक घंटे के चार्ट पे मार्केट सेल पे है, मैंने जो आपको सपोर्ट दिया था वो यही दिया था 42,200 का, 42,200 के नीचे आया मार्केट को आपको शॉर्ट करना था, सिंपल एज दैट। हिलेगा मिलेगा आपका अभी सेल में ही है, 30 मिनट पे आइए, 30 मिनट पर भी सेल में ही है, ठीक है। 21 की मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, आइए 15 मिनट पे एनालिसिस करते हैं। जब मार्केट अभी हर चार्ट पे 30 मिनट, एक घंटा, एक दिन के चार्ट पे सेल में है, तो हम लोग मार्केट में केवल सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे। हाँ, मार्केट बाई दे सकता है, मार्केट थोड़ा सा बाउंस दे सकता है, लेकिन आपका पूरा मार्केट सेल ऑन राइज है। जहां पर भी जाके राइज होता है सेल कीजिए। मार्केट में आपका 42,000 का भयंकर, ये जो 42,000 का लेवल है, ये वाला लेवल आपका सपोर्ट है। सब लोग कह रहे थे ना 42,000 के नीचे नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा, मैंने आपको क्लियरली बोल दिया था ये वाला लेवल आपका सपोर्ट है, ठीक है जी। अब मंडे की स्ट्रेटजी क्या होगी, मंडे की स्ट्रेटजी ये होगी, अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है और 15 मिनट तक सस्टेन कर जाता है, हिलेगा मिलेगा देखेंगे, मूविंग एवरेज का बिहेवियर देखेंगे, और फिर इसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे। हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा 41,600, या अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है 41,540 पे, तो 41,500 या 41,400 का स्ट्राइक प्राइस लेके हम 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ अगली कैंडल के साथ मार्केट में उतर लेंगे। हमारा जो अगला टारगेट होगा 41,322 इंट्राडे चार्ट पे, उससे अगला टारगेट होगा हमारा 41,065। यहाँ पे आके स्टॉप लॉस को टेल करके हम ले आएंगे यहाँ तक, और अगर 41,000 कोई मार्केट तोड़ के निकलता है तो हमारा टारगेट ये होगा 40,828। कोशिश कीजिएगा कि इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पर आप अपना टारगेट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि 41,000 का अगर टारगेट निकलता है तो इस वाले टारगेट को छूना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर मैं आपको पीछे जाके दिखाऊं तो ये वाला सपोर्ट कहाँ बन रहा है, रुकिए, ये वाला सपोर्ट जो आपका बन रहा है यहाँ, अक्टूबर 22 का सपोर्ट बन रहा है, जहाँ से मार्केट ने बाउंस लिया था, ठीक है। तो ये आपका अल्टीमेट टारगेट होगा, बाकी मार्केट का बिहेवियर क्या रहेगा। और अभी अगर मैं डाउ जोन्स को देखूं तो डाउ जोन्स अभी थोड़ा सा प्लस में पॉजिटिव चल रहा है, तो मैं मंडे को ये सोच रहा हूँ कि मंडे को आपको जो ओपनिंग मिलेगी वो फ्लैट ही मिलेगी, कहने का मतलब आज की क्लोजिंग के 100 पॉइंट ऊपर या 100 पॉइंट नीचे, यही क्लोजिंग मिलने, यही ओपनिंग मिलने की आशंका है। बाकी देखिए मार्केट सुप्रीम है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है इस लेवल से, अगर मार्केट ऊपर की तरह निकलता है तो हमारा पहला टारगेट यही होगा 42,000, और दूसरा टारगेट होगा ये 50 की मूविंग एवरेज 42,200। इसको अगर तोड़ के निकलता है तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए और सीधे 200 की मूविंग एवरेज तक जाइए 15 मिनट की चार्ट पे,
मूविंग एवरेज जब भी मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है जी। 200 की मूविंग एवरेज तक जाइए, फिर आप यहाँ पे आके अपना टारगेट क्लोज कर दीजिए। तो आशा करता हूँ कि बैंक निफ्टी की इस वीकली एनालिसिस और डेली एनालिसिस की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये कोई, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई कॉल या पुट की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने सेबी रजिस्टर से ज़रूर एडवाइस लें, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है। दोस्तों, मिलते हैं निफ्टी एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।